ये देखिए क्या मस्त दिख रहा है ना आपको। तो आपको एक छोटा सा सीन दिखा दिया यहाँ से। कधी कधी म्हणजे असं वाटतं ना आपलं नवी मुंबई खूपच चांगलं आहे, म्हणजे काय टेन्शन नाही याला जायला, आहे का नाही। ये बहुत फेमस डोंगरी एरिया है, आपने हिंदी पिक्चर में बहुत सारी पिक्चर में ये डोंगरी एरिया सुना रहेगा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज संडे है और दोपहर के 11:40 हो चुके हैं। अभी मैं निकला हूँ राइड के लिए। कल रात को 1:30 घर पे आया, 3 तक एडिटिंग की, मोबाइल वीडियो पूरा अपलोड किया, फिर सुबह 9 तक रिलीज़ कर दिया। तो अभी मैं निकला हूँ, देखते आज का बिजनेस क्या होगा, कैसे होगा, कितना बिजनेस कर पाएंगे। आज संडे है तो लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे ना, तो कमाई भी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे सोच के अभी निकलते हैं, देखते है। सब डिपेंड है ओला के ऊपर कि क्या देगा, अर्निंग नहीं देगा, पर काम तो करना पड़ेगा। तो अभी चल रहा हूँ, देखते आज का दिन कैसा जाएगा। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे बाजू में एक खेती है, आपको दिखाता हूँ, चावल की खेती मस्त एकदम दिख रहा है। आपको एक शॉट दिखा देता हूँ जाते जाते, अब देख लेना, मस्त खेती लग रही है, बहुत ही सुंदर हरी भरी खेती है। चलो देखिए क्या मस्त हरी भरी खेती है, एकदम भारी। या अंदर नहीं जा सकते हो, पर अंदर से यहाँ से दिखा देता हूँ, कितना मस्त खेती है। देखिए पूरा पूरा ग्रीन 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 ग्रीन, इतना अच्छा खेती है। चावल है, चावल है, चावल के पौधे मस्त एकदम ग्रीनरी, एकदम ग्रीन। ये मैं यहाँ पे रहता हूँ नज़दीक ना, तो इसी यहाँ पे कभी कभी आ जाता हूँ। और ये जंगल में ना, ये खेती में बहुत सारे सांप होते हैं, सांप बहुत सारे हैं। ये देखिए क्या मस्त दिख रहा है ना आपको। तो आपको एक छोटा सा सीन दिखा दिया, यहाँ से अभी अपना काम चालू कर देते हैं और देखते हैं कहाँ की राइड मिलेगी। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, तो लो चलते हैं। अभी मुझे बुकिंग लगी है कल्याण के लिए और 1 से पिकअप है और पैसेंजर को कल्याण वेस्ट में कहाँ पे ड्रॉप करना है। फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से लोकेशन ठीक से लिखा ही नहीं देता है, सिर्फ उषा नगर। अभी ये उषा नगर कैसे ढूंढेंगे, है ना, पूरा इतना बड़े मुंबई में, नवी मुंबई में, ठाणे में। तो अभी जा रहा हूँ पैसेंजर को पिकअप करने। तो आज के दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, चलो देखते हैं आज दिन भर में कितना अर्निंग हो सकता है। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलो चलते हैं। पैसेंजर आगे खड़े हैं राइट साइड में। फ्रेंड्स, अभी मैं कल्याण ड्रॉप हो चुका हूँ, पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। 1:30 लग गया मुझे यहाँ पे आने के लिए, ज़्यादा रश कहाँ भी नहीं था, संडे था इसके लिए। तो अभी जस्ट मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया और बिल 720 के आसपास बना है। तो अभी देख रहा हूँ नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी, जल्दी से जल्दी बुकिंग लग जाए। तो गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, गर्मी बढ़ती ही जा रहे है, क्या मालूम
रात को फिर से बारिश गिरेगी और दोपहर के टाइम गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी एक बुकिंग लगी थी पर वो पिकअप पॉइंट पे चला जा रहा था पर कैंसिल हो गई। देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग लगेगी, प्राइम ही चलाऊंगा, मिनी थोड़ी देर के बाद देखता हूँ, सोचता हूँ कि मिनी कब चलाऊँ। तो जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ, आपको अपडेट देता हूँ। फ्रेंड्स, एक बड़े से ब्रेक के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे के पहले मैंने जो ब्लॉग बनाया था उसके बाद अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि मैंने खाना खा लिया था, खाना खाते आधा घंटा लग गया पर उसके बाद 1.5 घंटा वेटिंग में लग गया, क्योंकि प्राइम गाड़ी है अपनी तो मिनी में चला के कुछ फ़ायदा नहीं, तो वेटिंग करते करते 2 घंटे बीत गए। तो अभी एक बुकिंग लगी है भुवनेश्वर मुंबई की तरफ के लिए, तो अभी चला जा रहा हूँ। देखते हैं मुंबई में क्या रश रहेगा क्या नहीं रहेगा, आज जिस जगह जा रहे हैं उस जगह पर। और बारिश का माहौल वापस शुरू हो चुका है, बादल, आपके मोबाइल में लाइट थोड़ी कम आती है ना या ऐसे जब माहौल रहता है, तो अभी बारिश चालू हो चुकी है, मुंबई में जाते जाते बारिश और भी बढ़ जाएगी। तो चलो चलते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते हैं उनके पिकअप पॉइंट से, चलो चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2 घंटे के बाद। मैंने कल्याण से पिकअप लिया था, 57 किलोमीटर था और पैसेंजर को भेंडी बाज़ार मुंबई में ड्रॉप करना था। बहुत रशेबल एरिया है, बहुत गर्दी होती है, बहुत ट्रैफिक है रहता है, पर आज संडे होने के कारण थोड़ा ट्रैफिक कम है। तो यहाँ पे आने के लिए मुझे 1 घंटा 50 मिनट लग गया, तो रश कम होने की वजह से जल्दी पहुंच गया, नहीं तो यहाँ पे आने के लिए 2.5 घंटा तो आराम से चला ही जाता है। तो यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, अभी थोड़ा गर्दी कम है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये रोड है। यहाँ पे अभी ट्रैफिक थोड़े टाइम पहले बहुत जाम थी, ये ऐसा कुछ एरिया है। तो अभी मैं 2 राउंड ही हो गए सुबह से, पहले ज़्यादा राउंड नहीं हुए, 2 राउंड में मेरा 1300 का अर्निंग हो चुका है। तो देखते हैं नेक्स्ट राउंड कब कहाँ का लगेगा, किस तरह से लगेगा, वो सब आपको अपडेट देता रहूँगा। तो ये बहुत फेमस डोंगरी एरिया है, आपने हिंदी पिक्चर में बहुत सारी पिक्चर में ये डोंगरी एरिया सुना रहेगा। ये पहले डॉन लोगों का एरिया होता था, दाऊद, छोटा राजन, बहुत सारे आजकल के डिवाइन जो रैपर है यहाँ से ही है, वो डोंगरी एरिया से, ये पूरा डोंगरी एरिया है, बहुत फेमस एरिया है, नाम से ही फेमस है बस। अभी पहले ऐसा नहीं रहा, सब लोग अभी अच्छे हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी पहले जैसा नहीं है, पहले नाम से लोग डरा करते थे एरिया को, अभी पहले जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, अच्छे रोड बन गए, सब डेकोरेशन, मतलब गणपति का त्यौहार भी यहाँ पे मनाते हैं ज़्यादा करके, यहाँ पे मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर भी गणपति त्यौहार यहाँ पे भी मनाया जाता है बहुत अच्छी तरह से। आप देख सकते हो ये गणपति का पंडाल बना हुआ है, आगे अच्छा डेकोरेशन किया गया है, आप देख सकते हो डोंगरी का राजा, ये देखिए इस तरह आपको दिखाई देगा डोंगरी का राजा, ये देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये डोंगरी का राजा गणपति है, ये देखिए दिखाई दिया रहेगा आपको, आपको अंदर से गणपति नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं रहती, तो यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ, फिर किसी अच्छी जगह जाके लोकेशन लगा दूंगा। फ्रेंड्स, बहुत देर से मैं एक ही जगह पे बैठा हूँ, कम से कम 1 घंटा हुआ रहेगा। गेट ऑफ इंडिया के यहाँ पे मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पे जैसे कल का व्लॉग देखा था आपने, मैंने सैंडविच खाया था उसी जगह पे बैठा हूँ, 1 घंटा होने आया, पर लोकल में भी बुकिंग नहीं लग रही है और ना गो होम की बुकिंग लग रही, एक गो होम की बुकिंग लगी थी पर वो दिखा रही थी सांता क्रूज, मैं पनवेल में रहता हूँ तो सांता क्रूज की दिखा रही थी, पर कैंसिल हो गए, मैं तभी भी सोचा जाता हूँ चलो पिकअप कर लेता, काम करता हूँ, पर बुकिंग नहीं मिल रही है, तो आराम से थोड़ा बैठा हूँ, बहुत पसीना आ रहा है। जैसे मैंने कहा था कि आपको कि बहुत गर्मी बढ़ी है और बारिश और गर्मी दोनों मिक्स है, बहुत सारा यहाँ पे
प्रॉब्लम होता है, पसीना पसीना आता है, बहुत तकलीफ हो जाती है। देखते हैं कितना अर्निंग हो सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज संडे है और फोर्ट की तरफ है, क्या होता है कि इस तरफ है ना थोड़ा ऑफिशियल एरिया है और घूमने वाले लोग भी आते हैं संडे को, पर आज गणपति का पांचवा दिन है, विसर्जन का पांचवा दिन है, तो बहुत सारे घरों के गणपति है ना पांचवे दिन पे विसर्जन होते हैं, तो इसकी वजह से इस जगह पे थोड़ा बुकिंग कम लग रहा है मुझे। अभी मैंने जैसे आपसे बात कर रहा था ना तब तक मैंने प्राइम ऑन किया था, तब तक बुकिंग नहीं लगी थी, पर जैसे मैंने मिनी ऑन किया राइट तो मुझे नेरुल की बुकिंग लगी है। काला घोड़ा है इस तरफ, काला घोड़ा करके बहुत फेमस जगह है, तो वहाँ पे पैसेंजर को पिकअप करना है। काला घोड़ा के आगे एक छोटी सी गली है, उस गली के अंदर दिख रहा है लोकेशन, तो एकदम छोटी सी गली आप देख सकते हो, एग्जैक्ट तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है। 300 ये राइट, यहाँ से भी लेफ्ट है, देखो कितनी छोटी गली है यहाँ से। अभी लोकेशन खत्म हो रहा है आगे जाके, बहुत ही छोटी गली है। पैसेंजर को जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया नेहरू में, सिवुड में, और जैसे ड्रॉप किया मुझे वापस एक बुकिंग मिली है पनवेल की तरफ की। 9:20 हो चुके हैं आप देख सकते हो, और इसका जो बिल बना है वो 679 का बिल बना है, और मुझे जो अर्निंग है 540 रुपीज, पर ये ऑनलाइन था, मैंने सोचा कि कैश में हो जाएगा तो कुछ मजा आ जाएगा, पर ठीक है ऑनलाइन हो गया। पहले तो कैश ही दिखाया, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे पता था कि ऑनलाइन है और मैं बोल रहा हूँ कि कैश मिलता तो मज़ा आता था, ऐसा नहीं, कि पहले जब शो किया ये उन्होंने दिखाया कि ये कैश पेमेंट है, और जब पैसेंजर को ड्रॉप किया तो ये ऑनलाइन हो चुका था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कैश दिखाता है तब ऑनलाइन होता है, जब ऑनलाइन दिखाता है तब कैश होता है, तो नो डाउट ये ना कभी है तो ऐसा होना होता ही है। जब पहले जब बुक करते हैं कस्टमर, उसके बाद वो चेंज कर देते हैं, तब वो दिखाई देता है कि ऑनलाइन हो चुका है, और पहले ऑनलाइन दिखाते हैं फिर थोड़े बाद देर के बाद दिखता है कि कैश है। तो थोड़ा एक मिनट आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखा देता हूँ गणपति विसर्जन का। 5 दिन के गणपति जा रहे हैं तो उनका विसर्जन के लिए लोग डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ज़्यादा भीड़ कहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है इस टाइम, ठीक है 5 दिन के गणपति का तो भीड़ होती है पर नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। मैं पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ, तो सामने पैसेंजर खड़े हैं, ये यहाँ पे खड़े हैं पैसेंजर, अभी मैं पनवेल पहुँच चुका हूँ, और पनवेल डेपो के सामने पैसेंजर का ड्रॉप पॉइंट था, उनको वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। 20 किलोमीटर का ट्रैवल था, 20 किलोमीटर के लिए मुझे 335 रुपये का बिल बनाया गया और 250 का अर्निंग दिया गया है। तो रात के 10:10 हो चुके हैं आप देख सकते हो, 10:10 हो चुके हैं, और सिर्फ मेरे 4 ही बुकिंग हुए हैं। पहली बुकिंग यहाँ से पनवेल से कल्याण से पेंडी बाज़ार मुंबई की तरफ, और फोर्ट से नेरुल से यहाँ पे, सिर्फ 4 बुकिंग में मैंने ओला में 2200 रुपये का अर्निंग कर लिया है, और गाड़ी मेरी आज पूरे दिन में 160 किलोमीटर चली है, और डीजल जो चला गया है वो 700 का 900 रुपये तक का चला गया है, तो समझिए 1300 रुपये का मैंने अर्निंग कर लिया है। पर बहुत आज क्या छुट्टी का माहौल था और बहुत लोग नहीं थे, इसके वजह से बहुत धीरे धीरे बुकिंग आ रही थी, तो चलता है कभी कम ज़्यादा होता रहता है। तो अभी घर तक पहुंच चुका हूँ, और यहाँ से अभी ब्लॉग मैं ख़त्म कर देता हूँ।
अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया रहेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, अच्छे सब्जेक्ट के साथ, अच्छे ट्रैवल के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, मिलता हूँ अगले दिन। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय।